एक ब्राह्मण राम की मूर्ति में प्राण डालता है, उस राम की मूर्ति में प्राण डालता है जो राम दुनिया के शरीर में प्राण डालता है, तो ये मजे की बात नहीं तो और क्या है कि जो राम दुनिया के शरीर में प्राण डालता है आज उसकी मूर्ति में प्राण डालने के लिए भी एक ब्राह्मण की उसको जरूरत पड़ रही है। तो ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ है आप इस बात को समझिए, मतलब ब्राह्मण ने खुद को अपने आप को भगवान से, जो उनका भगवान है उनसे बड़ा बना के रखा है। ये मूर्ख बनाने का जुगाड़ है जो लोग 22 तारीख को राम के मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा करने की बात को हवा दे रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, देश में भक्ति में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों से मेरा एक सवाल है कि हम भी इस बात को मान लेंगे कि हाँ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण डाल दिए जाते हैं, तो हमारा भी एक ये सवाल है कि क्या आप रोहित वेमुला के शरीर में क्या नाम है प्राण डालोगे, क्या पायर तलवी के शरीर में प्राण डालोगे, या जो लोग आज की तारीख में मर रहे हैं उनके शरीर में प्राण डालोगे? इंसान है ना। अच्छा, पत्थरों में डालेंगे? नहीं, भगवान में डलते हैं। अच्छा, भगवान में डलते हैं। हाँ। तो आप हम रोहित भगवान में राम में। हाँ। भगवान राम में डलते हैं। हाँ। तो फिर रोहित मतलब तो फिर कैसे भगवान की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लिए, बुद्ध की लिए, कभी नानक रैदास के लिए, उन्हें प्राण डाल दीजिए। अरे ये तो इंसान थे ना। अच्छा, बुद्ध भी इंसान थे। हाँ। तो ये कैसे मान लिया जाए फिर राम भगवान थे? कोई क्राइटेरिया है भगवान होने का? कोई तरीका है? मतलब भगवान किसको कहा जाए, कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि भाई ये भगवान है। जिस प्रकार बुद्ध ने, जिस प्रकार मैंने जन्म लिया वैसे ही राम ने जन्म लिया, जो शिक्षा दीक्षा जैसे मैंने प्राप्त की गुरुकुल से, अन्य लोगों से और लोगों ने प्राप्त की वैसे ही राम ने की। रामचंद्र जी ने, एक राजा के लड़का थे, बुद्ध भी एक राजा के लड़का थे, रामचंद्र जी घरवाली का क्या नाम है एक तरीके से अपहरण हो गया। हजारों साल पुरानी पद्धति है ना, देखिए परंपराएं। मैं आपकी परंपरा पे ही आ रहा हूँ इंद्र जी। जब रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हो गया, रावण अपहरण करके ले गया, तो वो फिर पेड़ पौधों से पूछ रहे थे कि हे वृक्षों की आपने सीते को देखा है, जानवरों से पूछ रहे थे कि हे क्या आपने सीते को देखा है। अगर काश पेड़ पौधे बोल पाते और बता पाते कि सीता इधर से इधर गई थी, या एक आया था हेलीकॉप्टर वो ले गया। मजे की बात यह है कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है, जिस पर आज की, जिसके आसपास जिसकी जो राजनीति घूम रही है, ये कहानी काल्पनिक है, ये पात्र काल्पनिक है, ये धर्म ग्रंथ काल्पनिक है, और ये धर्म काल्पनिक है, और ये जो धर्म ग्रंथ को लिखने वाले हैं सबका सब काल्पनिक है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से 3 घंटे की पिक्चर चलती है, उस पिक्चर की कहानी काल्पनिक होती है, उसमें जो पात्र हीरो निभाता है वो काल्पनिक होता है, हीरो नकली होती है, सारे किरदार नकली होते हैं, लेकिन आदमी उसको एंजॉय करता है। तो वर्तमान समय में मैं वही कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में जो देश के अंदर माहौल बना हुआ है, जो देश के अंदर सीन चल रहा है, उसको आप एक पिक्चर के तरीके से सोचिए कि पिक्चर है, मजा आ रहा है, देखिए भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं आप। देखिए भावनाएं तो ठीक है, अच्छी बात है, किसी को ठेस पहुंचा कुछ लोगों की भावना तो कह रहा हूँ गजेंद्र भाई कि लोगों की भावनाओं को ठेस अगर मेरी बात से पहुंचती हो तो ये संवैधानिक राइट है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A ये कहता है कि हर इंसान की और खासतौर से सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो भारत के नागरिकों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे, और अगर भारत की सरकार ये काम करने में निष्क्रिय हो जाती हो, भारत की सरकार ये काम नहीं कर पाती हो, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं लोगों के दिमाग में। संविधान ये भी कहता ना आस्था का ख्याल रखना चाहिए, हर आस्था का ख्याल रख रहा हूँ ना मैं। मैंने राम को गाली तो नहीं दी। हाँ। मैंने रामायण को गाली तो नहीं दी। सवाल तो खड़े किए, तो सवाल खड़ा करना तो आपने काल्पनिक बताया। मैंने काल्पनिक बताया, मैंने थोड़ी बताया। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट के मामले में। हाँ। कि हिंदू और 1995 में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है हिंदू धर्म नाम का कोई ग्रंथ नहीं, धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट के मामले में कि राम एक काल्पनिक पात्र, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। तो ये जिन्होंने देखिये, ये जिन्होंने बनाया है वो पूछे, वो बताएं, मैं तो नहीं बनाया। आप लोगों को दिक्कत हो रही है खासकर विपक्ष को कि इस पे अब बीजेपी वोट मांगेगी और 2024 में सरकार बनाएगी। जो लोग वोट मांगने वाले हैं उनके लिए धन्यवाद, राम मंदिर के नाम पर जो राम मंदिर के नाम पर वोट देने वाले हैं उनके लिए धन्यवाद। ये दोनों के ये एक अलग विषय है। मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल संवैधानिक है, और मैं ये कहता हूँ कि इस देश के अंदर संविधान क्या नाम है, जो वैज्ञानिक सोच के लोग डेवलप होने चाहिए। आप चांद पर पहुँच गए, आप ये विज्ञान ने दिया ना, आप हवाई जहाज मोड़ रहे हैं ये विज्ञान ने दिया ना, ये पाखंड ने थोड़ी दिया। तो एक तरफ विज्ञान है जो आपको चांद पर ले जा रहा है, और एक तरफ वो अंधवाद। विज्ञान के समय में आस्था की कोई जगह नहीं है? कहाँ है विज्ञान में आस्था? है ही नहीं विज्ञान में और संविधान में और न्यायपालिका में आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आस्था है ही नहीं वहाँ पे, कहाँ है आस्था? पाखंड कह रहे हैं आप। आस्था से ही पाखंड उत्पन्न होता है। अगर मेरी किसी में आस्था है
और वहाँ से फिर मैं किसी की मूर्ति की पूजा करता हूँ और वहाँ बैठ करके एक पाखंडी बाबा जो है पुजारी मेरा बेवकूफ़ बनाता, तो यही पाखंडवाद है। आज देखिए ना कि आस्था के नाम पर गांव देहात में छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार हो रहा है। आज देखिए क्या किस प्रकार से महिलाओं का शोषण हो रहा है, भूत उतारने के नाम पर, भविष्य बताने के नाम पर। सुबह 4 बजे मंदिर में कोई लड़की पूजा करने के चली गई तो उसका बलात्कार हो गया। अरे जब भगवान अपने मंदिर में होते हुए बलात्कार को नहीं रोक सकता नाबालिग बच्ची के साथ में, तो उस भगवान से क्या उम्मीद है। और मैं तो कहता हूँ पेरियार साहब का सवाल है, मेरा सवाल थोड़ी है। पेरियार ने कहा है रामेश्वर रामास्वामी नायकर ने कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, और भगवान है तो महामूर्ख है। जब उसको पता था मैं पैदा होने के बाद में उसको नहीं मानूंगा, तो उसको मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। सारे हिंदू भगवान को मानते हैं, सारे हिंदू राम मंदिर बनने से खुश है, आप क्या हिंदू नहीं है? नहीं, मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हिंदू नहीं हूँ। मैं देखिए, एक नास्तिक होता है, एक आस्तिक होता है, और एक दोनों के बीच में होता है वास्तविक। तो मैं वास्तविक हूँ, मुझे जो दिखता है मैं वो करता हूँ। अगर मुझे पता है इस रास्ते पर चलने से मैं दिल्ली पहुँचूंगा, तो उस रास्ते को मैं दिल्ली मानूंगा। अगर एक दिल्ली और क्या नाम है बुलंदशहर के बीच में एक क्या नाम है जो वो किलोमीटर बताने वाला पत्थर है, तो मैं तो उसको नमस्ते कर लेता हूँ, उस पर नारियल फोड़ दूँ। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं तो इतना तगड़ा आस्तिक हूँ, मैं तो उस पर पत्थर फोड़ सुनो मैं तो किलोमीटर वाले बताने वाले पत्थर पर पूछ देता हूँ कि वो 70 किलोमीटर पहले बताया था कि दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है, वो सच बोल रहा है। वो उसमें देखो ना आस्तिक की तकड़ी है, वो देवता है बता रहा दिल्ली 70 किलोमीटर बिना जाए। तो आप भगवान को नहीं मानते, इसलिए आपको राम मंदिर बनने से खुशी नहीं हो रही? भगवान को मैं नहीं मानता और भगवान मुझे नहीं मानता। भगवान जो मेरा नुकसान कर सकता है वो कर ले, और मैं भगवान का कोई नुकसान करता नहीं, क्योंकि भगवान है ही नहीं। चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, भगवान को चैलेंज कर, बिल्कुल हाँ कर रहा हूँ। अब मैं भगवान को खुला चैलेंज कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। देखिए भगवान नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है नहीं, ये चंद और चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बना रखी है। और ये पेरियार साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पेरियार साहब कह रहे हैं कि चंट और चालाक लोगों ने भगवान नाम की चीज़ अपने फायदे के लिए बना रखी है। भगवान नहीं है, और भगवान है तो फिर वो बताए कहाँ है। भगवान है तो वो समय कहाँ चला जाता है जब भगवान, तो फिर अगर जो प्राण प्रतिष्ठान होता है ये क्या जान थोड़ा डाली जाती है? ये तो एक नीति है ना, एक देखिए एक विधि है ना, ये तो एक क्या फायदा क्या इस विधि का? राम की मूर्ति बन गई, मंदिर बन गया, काम खत्म, फिर ड्रामा स्थापित किया जा रहा है ना। देखिए तो प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब, मूर्ति स्थापना दिवस बोलो उसको, उसमें प्राण कहाँ से आ गए भाई? पत्थर में प्राण कैसे जाएंगे? तो अरे भाई साहब, मैं तो कुमार विश्वास का वीडियो देखा था कि भारत अकेला ऐसा देश है जो मूर्तियों में प्राण डालता है, मूर्तियों को मैं को जीवित करता है, और एक ऐसे लोग हैं बहुत, जबकि विदेशों में ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते आदमी को मशीन बनाकर छोड़ देते हैं। तो आप क्या कहोगे जब इतने लार्ज स्केल पर प्रचार प्रसार होता हो, इतने लार्ज स्केल पर मूर्ति में प्राण डालने की बात कही जाती हो, और एक आदमी उसी मंदिर के सामने निकल करके उसी पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता हो, जैसे वास्तव में तुम्हारी कॉपी पेंसिल, मैंने देखा सुबह को मंदिर इस साइड है और आदमी उस साइड जा रहा है, वहां से हाथ जोड़ रहा है, जैसे भगवान कॉपी पेंसिल लेकर के बैठा हाजिरी लगाने के लिए कि मंदिर के सामने से निकला था, हाजिरी लगा के नहीं गया तू, तेरा नुकसान कर दूंगा। तो ये जो सिस्टम देश के अंदर चल रहा है, ये जो आस्था के नाम पर चल रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं भगवान को नहीं मानता, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। आप जबरदस्ती तो मनवाओगे ना कान पे पिस्टन रख के? अगर राम का मंदिर बन गया अच्छी बात है, उससे पहले नहीं बना था तब मेरे लिए कोई आफत नहीं थी, अब बन गया तो मेरे लिए कोई लाल बत्ती नहीं मिलगी। राम के मंदिर बनने से जिनको फायदा होता है उनके लिए धन्यवाद, जिनका नुकसान होता है वो लड़ाई लड़े, और जिनका कुछ नहीं हो रहा मेरी तरह वो भैया मंदिर बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो अच्छा, कल को तूफान में ढह जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे ही खड़ा रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं।